हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द कम्यूटर और मूवी की शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं। माइकल सुबह उठता है और वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। माइकल की एक छोटी सी फैमिली थी जो कि हैप्पी फैमिली थी और इस फैमिली में माइकल का बेटा डैनी और उसकी वाइफ कैरेन थी। माइकल को इस मूवी में माइक भी बुलाया जाता है। माइक अब जॉब पर जाने के लिए तैयार हो चुका था और माइक की वाइफ कैरेन उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती है और गाड़ी में कैरेन और माइक अपने बच्चे के कॉलेज में होने वाले खर्चे के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि डैनी अब कॉलेज में जाने वाला था। कैरेन माइक को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है और माइक ट्रेन स्टेशन में जाने से पहले कैरेन को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाता है। कैरेन खुश होकर माइक को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। माइक स्टेशन से कम्यूटर ट्रेन यानी लोकल ट्रेन पकड़ता है अपने ऑफिस तक जाने के लिए। इस ट्रेन में माइक को कई सारे यात्री मिलते हैं जो रोजाना माइक की तरह ही अप डाउन किया करते थे। माइक के लिए ये सभी चेहरे जाने पहचाने थे और माइक सफर के दौरान इन सभी से बातें भी किया करता था। माइक अपने ऑफिस में किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी माइक के ऑफिस में फ्रैंक आता है और वो माइक को अपने ऑफिस में बुलाता है। फ्रैंक माइक को बताता है कि कंपनी के बजट में कटौती के कारण उसे अब इस नौकरी से निकाल दिया गया है। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माइक वापस अपने घर जाने वाला था और वो यही सोच रहा था कि वो अपनी बीबी को ये बात कैसे बताएगा। माइक पब में जाता है और यहाँ पर माइक अपने दोस्त एलेक्स मर्फी को मिलने के लिए बुलाता है। एलेक्स एक पुलिस ऑफिसर था और माइक भी पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका था। एलेक्स आता है और माइक एलेक्स को अपनी जॉब के बारे में बताता है। तभी पब में हॉर्वोथॉन नाम का आदमी आता है। उसे देखकर एलेक्स बोलता है, अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। यह अब बस पुलिस वाला नहीं है बल्कि पुलिस वाले से भी कई बढ़कर है। क्या तुम जानते हो ये सब पॉलिटिक्स और फेवर के कारण हुआ है? माइक बोलता है, तो ये अब सार्जन हॉर्वोथॉन बन गए हैं। एलेक्स बोलता है, नहीं, अब ये कैप्टन हॉर्वोथॉन बन चुके हैं। हमारे जैसे लोग जो माइक हार्ड वर्क करते हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता। तभी पब में रखे टीवी पर एक न्यूज आ रही थी और उस न्यूज में बताया जा रहा था सिटी प्लानिंग अधिकारी ने सुसाइड कर ली है और उनके केस की जांच होगी। तभी हॉर्वोथॉन भी माइक से आकर मिलता है और वो उससे मिलकर चला जाता है। माइक वापस अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में उसके सामने रोजाना वाले चेहरे थे और कुछ चेहरे नए भी थे जो नए नए सफर कर रहे थे। टीसी आकर पैसेंजर के टिकट चेक कर रहा था और उस ट्रेन में बहुत भीड़ थी। इसी ट्रेन में एक सूट बूट पहना हुआ आदमी बैठा था जो आदमी ब्रोकर था यानी शेयर बेचने और खरीदने का काम किया करता था। वो आदमी ब्रोकर था तो वो जोर जोर से अपने क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था जिसे उसी के पास बैठी लड़की को परेशानी हो रही थी और वो लड़की उस ब्रोकर से बोलती है, मुझे आपकी तेज बात करने से परेशानी हो रही है। वो ब्रोकर उस लड़की से बोलता है, मुझे तुम्हारे परफ्यूम से परेशानी हो रही है। वो लड़की गुस्सा होकर वहां से उठ के चली जाती है और वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। माइक वहीं खड़ा था और माइक ये सब देख रहा था। ट्रेन का अगला स्टेशन आता है। ट्रेन में से यात्री बाहर निकलते हैं और ट्रेन की सीट खाली हो गई थी। माइक उन्हीं में से एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी माइक के सामने एक लेडी आकर बैठती है। माइक अपनी किताब पढ़ रहा था पर माइक उस लेडी से बात नहीं कर रहा था, पर वो लेडी लगातार माइक से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो लेडी बोलती है, मैं पहली बार कम्यूटर ट्रेन में सफर कर रही हूँ और आप? माइक बोलता है, मैं हर दिन 10 सालों से इस ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। वो लेडी बोलती है, फिर तो आप इस ट्रेन में सभी लोगों को जानते होंगे। माइक बोलता है, हाँ, जो इस ट्रेन के रेगुलर यात्री है मैं उन सबसे मिलता हूँ। माफ करना, क्या मैं आपको जानता हूँ? वो लेडी बोलती है, नहीं, मेरा नाम जुआना है। माइक बोलता है, मैं माइकल हूँ। जुआना बोलती है, मैं लोगों के व्यवहार को पढ़ती हूँ और अक्सर उनसे बातें करती हूँ। माइक बोलता है, तो ये आपकी जॉब है, आप लोगों से बात करती है, लेकिन किस बारे में? जुआना बोलती है, चलो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या होगा अगर आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहा जाए, पर इस ट्रेन में बैठे सभी लोगों को वो काम प्रभावित करेगा। माइक बोलता है, क्या है वो काम और मैं उसे क्यों करूंगा? जुआना बोलती है, प्राइस के लिए, जो काम करने के बदले आपको मिलेगा। माइक बोलता है, तो क्या है वो प्राइस? जुआना बोलती है, बाथरूम में शायद एक पैकेट छुपा होगा और उस पैकेट में $25,000 होंगे, वो पैसा तुम्हारा होगा और भी $75,000 कैश है और अगर तुम ये छोटा सा काम करोगे तो वो तुम्हें मिल सकता है। माइक बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। जुआना बोलती है,
कोई इस ट्रेन में है जो रोजाना इस ट्रेन में सफर नहीं करता है। तुम्हें बस उसे ही ढूंढना है और तुम्हें बस यही काम करना है। उस आदमी के पास एक बैग है और तुम्हें ये नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है, और उस आदमी का नाम प्रेन है, ये उसका असली नाम नहीं है। वो आदमी कोल्ड स्प्रिंग तक ट्रेन में ही रहेगा। बस तुम्हें उसे ढूंढना है और उस बैग को भी ढूंढना है। बस इसके लिए एक शर्त है, बैग ढूंढने से पहले ट्रेन से मत उतरना और इसके बारे में किसी को मत बताना। ये एक छोटा सा काम है जो मुश्किल नहीं होगा एक पुराने पुलिस वाले के लिए करना। तभी ट्रेन स्टेशन आ गया था और जुआना उठकर ट्रेन से बाहर चली गई थी। माइक को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और माइक ट्रेन के बाथरूम में जाकर देखता है। माइक बाथरूम की वेंटिलेशन विंडो पर हाथ रखकर देखता है तो वहां से हवा नहीं आ रही थी। माइक उस वेंटिलेशन विंडो को खोलकर देखता है तो उस विंडो के अंदर एक एनवलप निकलता है। माइक ये देखकर खुश होता है पर वो समझ भी नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। माइक सोच में पड़ जाता है और माइक उन पैसों को अपने बैग में रख लेता है। माइक बाथरूम से बाहर आकर उस ट्रेन को देखने लगता है तो वो ट्रेन बहुत लंबी थी और उस ट्रेन में बहुत से यात्री थे, और अब उस ट्रेन में माइक को सिर्फ एक आदमी को ढूंढना था। तभी अगला स्टेशन आ गया था और माइक को जो पैसे मिले थे, माइक उन पैसों को लेकर ट्रेन से उतरने के बारे में सोचता है। माइक ट्रेन से उतरने लगता है तभी ट्रेन के गेट पर एक लड़की आ गई थी। वो लड़की माइक को रोककर पूछती है, क्या तुम माइकल हो? माइक बोलता है, हाँ मैं ही माइकल हूँ। वो लड़की माइक के हाथ में एक एनवलप देकर जाने लगती है। ट्रेन का गेट अब बंद हो गया था। माइक उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उस लिफाफे के अंदर माइक की वाइफ की वेडिंग रिंग थी। माइक अब समझ गया था कि उसकी फैमिली खतरे में है और अगर उसने जुआना का बताया हुआ काम नहीं किया तो उसकी फैमिली को मारा जा सकता है। माइक वहीं बैठे टोनी नाम के आदमी से उसका मोबाइल मांगता है। टोनी ट्रेन का रेगुलर यात्री था तो वो माइक को जानता था, और टोनी माइक को अपना मोबाइल दे देता है। माइक ट्रेन के पीछे वाली बोगी में जाकर कॉल करने की कोशिश करता है पर वहां भी मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसी बोगी में बैठा वॉल्ट माइक से बात करने लगता है, वो भी इस ट्रेन में रोजाना सफर करता था इसलिए माइक उसे भी जानता था। माइक भी वॉल्ट की सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया था और वॉल्ट माइक से बात करने लगा था। माइक वॉल्ट से न्यूज़पेपर मांगता है और वॉल्ट माइक को न्यूज़पेपर देता है। वॉल्ट माइक से इधर उधर की बातें करने लगा था तब माइक उस न्यूज़पेपर पर पुलिस को बुलाने के लिए और उसकी फैमिली खतरे में है ये सब बातें लिख देता है, और माइक उस न्यूज़पेपर को वॉल्ट को देकर चला गया था। और माइक पीछे वाली बोगी में जाकर अपने दोस्त एलेक्स मर्फी को कॉल करने लगता है पर एलेक्स की कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। माइक बोलता है, मर्फी मैं माइकल हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जिस ट्रेन में हूँ मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक लेडी ने मुझे ऑफर दिया एक पैसेंजर को ट्रेन में ढूंढने का जिसके पास एक बैग है। मर्फी किसी को मेरे घर पर भेजो, मेरी फैमिली खतरे में है और मुझे इसी नंबर पर वापस कॉल करो। ऐसा बोलकर माइक फोन काट देता है। अब एक और स्टेशन आ गया था और वॉल्ट माइक को बाय बोलकर स्टेशन पर उतर जाता है। तभी ट्रेन में दौड़कर एक आदमी ट्रेन के अंदर इंटर होता है और उसके पास एक काला बैग भी था। माइक को उस आदमी पर भी शक होता है। तभी माइक के पास जो फोन था उस पर एक कॉल आता है। माइक फोन अटेंड करता है तो सामने से जुआना की आवाज आती है और जुआना बोलती है, तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट किया था माइकल, तुमने टॉयलेट से वो पैसे भी लिए थे पर अब तुम रूल तोड़ रहे हो। माइकल ट्रेन से बाहर देखो तो बाहर सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग पर वॉल्ट खड़ा था। वो सड़क क्रॉस करने के लिए इंतजार कर रहा था। माइक ने वॉल्ट को वो न्यूज़पेपर दिया था तो वॉल्ट पुलिस को ये सब बताने जा रहा था। वॉल्ट जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा होकर ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा था। तभी वॉल्ट के पीछे खड़ा आदमी वॉल्ट को धक्का दे देता है। माइक ये सब देख रहा था और माइक बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? जुआना बोलती है, ये तुमने किया है माइक, ट्रेन को ढूंढो, बैग को ढूंढो, मैं कहीं भी किसी के पास भी पहुंच सकती हूँ, तुम्हारी वाइफ के पास, तुम्हारे बेटे के पास। माइक बोलता है, और उस बैग में क्या है और मैं क्या करूंगा जब मैं उसे ढूंढ लूंगा? जुआना बोलती है, अपने कोट की पॉकेट चेक करो। माइक देखता है तो उसकी कोट की जेब में एक जीपीएस ट्रैकर था। जुआना बोलती है, इस जीपीएस ट्रैकर को बस तुम उसके बैग पर लगा दो और बस यही तुम्हारा काम खत्म होता है। माइकल देखता है तो टोनी जिसका ये फोन था वो अपना फोन देने के लिए इंतजार कर रहा था। वो माइकल को इशारा कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर जुआना माइकल को धमकी देकर अपना काम करवा रही थी। जुआना को सब कुछ पता चल रहा था कि ट्रेन में क्या क्या हो रहा था। माइक अब फिर से उस बैग वाले आदमी की खोजबीन में लग गया था। माइक ट्रेन में ही लगी लिस्ट को देखता है जिसमें स्टेशन के नाम और उनके जोन लिखे थे।
माइक देखता है कि कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन के सामने जोन 7 लिखा था, यानी कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन को जोन 7 नंबर से दर्शाया गया था। माइक वहीं सभी यात्रियों की सीट के पीछे लगे टिकट्स को देखने लगता है। उन टिकट्स पर टीटी ने होल किया था कि उस सीट पर बैठे हुए यात्री किस जगह पर जाने वाले है। माइक वहां पर उन लोगों के टिकट्स को देखता है जो कोल्ड स्प्रिंग में जाने वाले थे, यानी उनके टिकट पर नंबर 7 में होल था। माइक देखता है तो वहां पर एक सीट खाली थी और वहां पर जो टिकट लगा था उस पर भी नंबर 7 पर होल था, यानी उस पर बैठा यात्री भी कोल्ड स्प्रिंग पर जाने वाला था। और माइक को टोटल ऐसे 5 टिकट मिलते हैं जो सीट पर लगे हुए थे और जिस पर बैठे हुए यात्री कोल्ड स्प्रिंग पर जाने वाले थे। माइक उन्हीं में से पहले आदमी से बात करता है जो कि एक शेयर ब्रोकर था और जो कोल्ड स्प्रिंग तक जाने वाला था। माइक उस ब्रोकर से बोलता है, तो आप एक ब्रोकर हो? वो ब्रोकर बोलता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? माइक बोलता है, मैंने पहले कभी आपको इस ट्रेन में नहीं देखा, मेरी वाइफ भी एक ब्रोकर को सर्च कर रही है क्योंकि वो रिटायर होने वाली है। वो ब्रोकर बोलता है, देखिए मैं बस बड़ी कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए काम नहीं करता। माइक बोलता है, आप कोल्ड स्प्रिंग जा रहे हो, मुझे लगा आपको एक क्लाइंट मिल जाएगा। वो ब्रोकर बोलता है, आपने ऐसा कैसे सोचा कि मैं कोल्ड स्प्रिंग जा रहा हूँ? माइक इस ब्रोकर की बात को सुनकर समझ गया था कि यह आदमी प्रेन नहीं हो सकता जिसे वो ढूंढ रहा है, क्योंकि यह ब्रोकर बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। माइक अब दूसरे यात्री के पास जाता है जो कि एक लड़की थी और वो लड़की भी कोल्ड स्प्रिंग जाने वाली थी। इस लड़की का नाम ग्वेन था। माइक उस लड़की के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया था। माइक ग्वेन से पूछता है, क्या आप कोल्ड स्प्रिंग जा रही हो? क्या आप फोटोग्राफी की स्टूडेंट हो? मैंने आपका कैमरा देखा है। ग्वेन ये सुनकर परेशान हो गई थी और वो अपना बैग लेकर वहां से दूसरी बोगी में चली जाती है। माइक भी उसका पीछा करता है तो ग्वेन माइक पर पेपर स्प्रे छींट देती है और ग्वेन के हाथ से उसका बैग गिर गया था और उसके बैग में बहुत सारे कार्ड्स थे। माइक उन कार्ड्स को देखता है और माइक बोलता है, ये सब फेक आईडी है। ग्वेन बोलती है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिए थे, उसने मुझसे कहा था कि मैं इसे अपने पास रख लूं। क्या तुम पुलिस हो? माइक बोलता है, नहीं मैं नहीं हूं, पर अगर तुम पुलिस की परवाह करती हो तो आगे से ऐसा कुछ मत करना। ग्वेन बोलती है, ठीक है, और ऐसा बोलकर ग्वेन वहां से चली गई थी। माइक आगे ट्रेन के सिक्योरिटी ऑफिसर सेम से बात करता है क्योंकि माइक उस ट्रेन में रोज सफर करता था तो सेम उसे जानता था। माइक सेम से बोलता है, मुझे इस ट्रेन में कुछ लोग अपराधी किस्म के नजर आ रहे हैं, तुम्हें उनका बैग चेक करना चाहिए। देखो वो तीनों लोग पास पास में बैठे हैं और वो तीनों ही कोल्ड स्प्रिंग जाने वाले हैं। माइक उंगली से इशारा करके सेम को बताता है और माइक जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सेम वहां बैठी ईवा नाम की लेडी को अपना बैग चेक करवाने के लिए बोलता है, पर ईवा अपना बैग चेक करवाने से मना कर देती है। तभी माइक के सामने से बैग लेकर एक काले जैकेट वाला आदमी निकलता है और वो उसी सीट पर जाकर बैठ गया था जिस सीट पर बैठा हुआ आदमी कोल्ड स्प्रिंग जाने वाला था। और जब माइक ने उस सीट को देखा था तो वो सीट खाली थी। सेम ईवा को बैग चेक करवाने के लिए बोल रहा था, पर ईवा बार बार बैग चेक करवाने के लिए मना कर रही थी। वो सेम से बहस करने लगी थी। ये देखकर वो काले जैकेट वाला आदमी दूसरी बोगी में चला जाता है। माइक को उस आदमी पर शक होता है और माइक उस आदमी का पीछा करने लगता है। ट्रेन के पीछे जाकर वो आदमी माइक को पकड़ लेता है और पूछता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और माइक और उस आदमी के बीच में हाथापाई होने लगी थी। दोनों लड़ने लगे थे और दोनों ही यात्रियों के बीच में जाकर गिर जाते हैं। ट्रेन के सभी यात्री उन दोनों को देख रहे थे और वो काले जैकेट वाला आदमी उठकर वहां से चला जाता है। वहां पर ऑलिवर नाम का आदमी खड़ा था जो हाथ देकर घायल माइक को उठाता है, पर माइक ने उस काले बैग वाले आदमी के बैग पर GPS ट्रैकर लगा दिया था। माइक अब सीट पर जाकर बैठ गया था। तभी उस बोगी में बैठे टोनी के मोबाइल में एक फोन आता है। टोनी वो फोन माइक को लाकर देता है और वो फोन एलेक्स मर्फी का था। माइक बोलता है, मर्फी क्या तुमने मेरे घर पर पुलिस भेजी? मेरी फैमिली खतरे में है। मर्फी बोलता है, वो अभी रास्ते में है, वो अभी पहुंच जाएंगे। माइक बोलता है, ट्रेन में एक लेडी ने मुझे प्रेन नाम के आदमी को ढूंढने के लिए कहा था और उसके लिए वो मुझे $1,00,000 तक देने के लिए तैयार हो गई थी। उसने मुझे मेरे पॉकेट में एक GPS ट्रैकर भी दिया था ताकि मैं उस आदमी को ढूंढकर उसके बैग पर ये लगा दूं। और उन्होंने एक आदमी को भी मार दिया बस एक्सीडेंट के द्वारा। मर्फी बोलता है, माइक तुम मेरी मदद कैसे चाहते हो, एक दोस्त के रूप में या एक पुलिस वाले के रूप में? माइक बोलता है, मर्फी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मर्फी बोलता है, सुनो, 2 रात पहले सिटी प्लानिंग अधिकारी ने सुसाइड कर ली थी और ये न्यूज सब जगह चल रही है। इस घटना का एक गवाह भी है जिसने उस अधिकारी के साथ 2 आदमियों को देखा था और उन 2 आदमियों ने उस अधिकारी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। उस गवाह का नाम है प्रिन। माइक बोलता है, तो मैं एक गवाह को ढूंढ रहा हूँ।
ट्रेन में कोई है जो उसे मारना चाहता है। उस लेडी ने मुझे बताया था कि प्रिंट के पास पैसों से भरा हुआ बैग है, मेरी जॉब छूट गई है, यानी उन्होंने मुझे जानबूझकर इन सब में ढकेला था। उन्हें पता था कि मुझे पैसों की जरूरत थी। तभी सिग्नल वीक होने के कारण मर्फी का फोन कट गया था। माइक अपने सामने रखे न्यूज़पेपर में उस सुसाइड की न्यूज को पढ़ रहा था। दूसरी तरफ कोल्ड स्प्रिंग रेलवे स्टेशन पर दो आदमी उस विटनेस का, उस गवाह का वेट कर रहे थे। माइक वापस ट्रेन में प्रिंट को खोज रहा था तो माइक देखता है कि जिस आदमी के साथ उसकी हाथापाई हुई थी वो काले जैकेट वाला आदमी ट्रेन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। माइक को वो बैग मिलता है जिस पर माइक ने GPS ट्रैकर लगाया था। माइक दूसरी बोगी में जाकर उस बैग को चेक करता है तो उसे उस बैग में कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी उस बोगी में फोन रिंग बजने लगती है। माइक देखता है तो वो बोगी पूरी तरह से खाली थी। यह आवाज उस बोगी के फर्श वाले हिस्से से आ रही थी। माइक उस बोगी के फर्श वाले हिस्से को खींचता है तो उसके अंदर एक लाश थी। ये उसी आदमी की लाश थी जिससे माइक की हाथापाई हुई थी। माइक उस बॉडी का पर्स चेक करता है तो यह आदमी एक FBI ऑफिसर था। तभी फोन फिर से बजने लगा था। माइक फोन को अटेंड करता है और सामने से जुआना की आवाज आती है। देखो माइकल, तुमने ये क्या किया, एक और मरा हुआ यात्री। माइक बोलता है, ये एक FBI ऑफिसर था। जुआना बोलती है, हाँ ये था, पर ये प्रिंट नहीं था, तुमने गलत आदमी के बैग पर GPS लगाया था। बाहर देखो माइकल, तुम्हारे बारे में किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। किसी भी हालत में इस ट्रेन को मत छोड़ना और पकड़े मत जाना। और ऐसा बोलकर जुआना फोन काट देती है। माइकल ट्रेन के बाहर देखता है तो ट्रेन के बाहर पुलिस थी और पुलिस ट्रेन के अंदर आ रही थी। पुलिस ट्रेन की सारी बोगियों को चेक करती है पर उन्हें कहीं भी माइकल नहीं मिलता, क्योंकि माइकल ट्रेन के उसी फर्श के नीचे छुप गया था जहां उस FBI ऑफिसर की लाश थी। पुलिस चली गई थी और माइक उस फर्श को वापस नहीं खोल पाता। माइक ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश करता है तो ट्रेन अब चलने भी लगी थी। माइक ट्रेन की पटरियों के बीच में गिर गया था और ट्रेन ऊपर से निकल रही थी। माइक ट्रेन के पहियों के बीच में से निकलकर वापस ट्रेन में चढ़ता है। माइक बैग को खींचने लगता है और बैग खींचते समय माइक के बैग में रखे सारे पैसे हवा में उड़ जाते हैं। माइक अब वापस ट्रेन में आ गया था और माइक अब ट्रेन की AC को देखता है। अब सैम भी पीछे वाली बोगी में आ गया था क्योंकि उस बोगी की AC बिगड़ चुकी थी। सैम ट्रेन में अनाउंस करता है, पीछे वाली बोगी की AC खराब हो गई है, आप सभी आगे वाली बोगी में जाकर बैठे। यह AC माइक ने ही खराब करी थी ताकि सभी यात्री एक ही जगह पर आकर बैठ जाए। अब सभी यात्री एक ही बोगी में आकर बैठ गए थे जिस बोगी में माइक पहले से ही बैठा हुआ था। टोनी और उसके साथ बैठा यात्री साथ में बैठकर ताश खेल रहे थे। माइक भी वहां पर जाकर बैठकर ताश खेलने लगता है। माइक टोनी और जैक्सन से बात करते हुए बोलता है, मैं बस तुम लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यदि तुम्हें एक छोटा सा काम करने के लिए कहा जाए तो क्या तुम लोग वो काम करोगे? टोनी बोलता है, मुझे नहीं पता माइक। माइक बोलता है, अगर उस काम के तुम्हें $1,00,000 दिए जाए तो क्या तुम वो काम करोगे? जैक्सन बोलता है, तो क्या है वो छोटा सा काम? माइक बोलता है, इस ट्रेन में एक यात्री है जो रोज इस ट्रेन में सफर नहीं करता है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। जैक्सन बोलता है, अगर उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा? माइक बोलता है, शायद वो बैग वाला आदमी मारा जाएगा। टोनी पूछता है, अगर माइक तुम हमारी जगह होते तो तुम क्या करते? माइक बोलता है, मैंने ये काम किया है, मुझे इस ट्रेन में 5 लोगों के बारे में पता है, जिनमें से एक वो लेडी है, एक वो यंग गर्ल है, एक वो ब्रोकर है, और एक मेरा दोस्त वो गिटार वाला, और एक तुम हो जिस पर मुझे शक है। जैक्सन बोलता है, मैं जैक्सन हूँ। और जैक्सन अपनी जेब से पैसे निकालता है तो उसके साथ उसका ट्रेन का डेली पास भी था, यानी जैक्सन उस ट्रेन में रेगुलर सफर किया करता था। तभी वो गिटार वाला लड़का ओलिवर उठकर पीछे वाली बोगी में चला जाता है। माइक भी उसका पीछा करता है तो वो लड़का उस बोगी में बैठा हुआ था और वो माइक से बोलता है, तो तुम क्या करोगे अगर मैं वो आदमी हुआ तो? माइक बोलता है, अगर तुम वो आदमी हुए तो तुम्हें कोई मारना चाहता है, तुम्हारे बैग में क्या है? माइक ओलिवर को उसका बैग खोलकर दिखाने के लिए बोलता है। ओलिवर उसका बैग खोलकर दिखाता है तो उसके बैग में गिटार था। माइक उस गिटार को देखकर ट्रेन सेफ्टी सिस्टम की कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले लेता है। ओलिवर के पास गन थी, ओलिवर वो गन माइक की तरफ कर देता है और बोलता है, मैं प्रेन नहीं हूँ, पर तुम्हें पता है कि वो कौन है? बताओ माइक, प्रेन कहाँ है? माइक बोलता है, तुम्हारा वो गिटार लेफ्ट हैंडेड था और तुमने ये गन राइट हैंड से पकड़ी है, और तुमने मुझे उठाने के लिए हाथ भी राइट हैंड ही दिया था। ओलिवर बोलता है, अब मैं समझ गया कि इन लोगों ने तुम्हें क्यों चुना। अब सिर्फ 4 पैसेंजर बचे हैं, बताओ माइक, प्रेन कौन है?
तो दोस्तों जब माइकल घायल था तो उसे उठाने के लिए ओलिवर ने ही हाथ दिया था। तब ओलिवर ने माइक को राइट हैंड दिया था और ओलिवर का गिटार लेफ्ट हैंडेड था। इसे देखकर माइक समझ गया था कि ओलिवर उससे झूठ बोल रहा था। माइक बोलता है, तुमने उस एजेंट को भी मार दिया। ओलिवर बोलता है, वो मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से मारा गया। उसके बैग पर GPS तुमने लगाया था। तभी माइकल उस पर हमला कर देता है और ओलिवर और माइक के बीच हाथापाई होती है और लड़ते लड़ते माइक ओलिवर को ट्रेन की खिड़की से नीचे फेंक देता है और अब ओलिवर भी मर चुका था। माइक के पास वापस कॉल आता है और सामने जुआना थी। माइक बोलता है, तुम्हारा वो किलर जिसे तुमने भेजा था वो मारा गया। जुआना बोलती है, तुम्हारे पास गन है, अब तुम प्लेन को ढूंढोगे और उसे मारोगे, नहीं तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। माइक वापस आगे वाली बोगी में जाता है और अब अगला स्टेशन आ गया था और ट्रेन से यात्री उतर रहे थे। उन यात्रियों के साथ साथ वो ब्रोकर भी उतर रहा था। माइक ईवा नाम की लड़की के पास जाता है और पूछता है, तुम कोल्ड स्प्रिंग क्यों जा रही हो, और उसे अपना बैग चेक करवाने के लिए बोलता है। पर वो लड़की वहां से उठकर जाने लगी थी। माइक बोलता है, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम गवाह हो, वो लोग तुम्हें मार देंगे। टोनी और जैक्सन माइक को रोकने की कोशिश करते हैं पर माइक अपनी गन निकालकर उन पर अड़ा देता है। माइक उस लेडी का मोबाइल मांगता है जिस पर बार बार मैसेज आ रहे थे। वो लेडी मोबाइल देती है और माइक उसके मोबाइल को देखता है तो उसके मोबाइल पे उस लड़की के बॉयफ्रेंड के मैसेज आ रहे थे। माइक समझ गया था कि ये लड़की भी प्रेन नहीं थी। माइक फिर से सबके बारे में सोचने लगता है तो माइक देखता है कि उस ब्रोकर की सीट अब खाली थी, यानी वो ब्रोकर कोल्ड स्प्रिंग आने से पहले ही उतर गया था। यानी वो ब्रोकर कोल्ड स्प्रिंग नहीं जा रहा था, वो किसी दूसरे की सीट पर जाकर बैठा था। तब माइक को सुबह की घटना याद आती है जब उस ब्रोकर के पास एक लड़की बैठी थी और वो लड़की दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई थी। माइक उस लड़की के पास जाता है और माइक उस लड़की के पास जाकर बोलता है, तुम प्रेन हो, तुमने कोल्ड स्प्रिंग की टिकट ली थी। तभी बोगी में सेम आ गया था और सेम देखता है कि सभी यात्री डरे हुए थे और माइक के हाथ में गन थी। माइक को फिर जुआना का फोन आता है और जुआना बोलती है, काम खत्म हुआ? माइक बोलता है, मैं इसे नहीं मार सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता। जुआना बोलती है, तो अब तुम सब लोग मरोगे, और ऐसा बोलकर जुआना फोन काट देती है। माइक सेम से ट्रेन रोकने को बोलता है और सेम ट्रेन की चेन खींचता है। तभी ट्रेन के इंजन में एक बड़ा धमाका होता है। माइक और सेम वहां जाकर देखते है तो ट्रेन ड्राइवर अब मर चुका था और ट्रेन इंजन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। सेम इंजन को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। सेम इमरजेंसी में कॉल करता है तो सामने से बताया जाता है, आगे एक बड़ा सा मोड़ आ रहा है, तुम्हें उससे पहले इंजन को बोगियों से अलग करना होगा, तभी सभी पैसेंजर बच पाएंगे। अब सेम और माइक दोनों ट्रेन इंजन को बोगियों से अलग करने में लग गए थे। माइक और सेम इंजन को अलग कर देते हैं पर एक चेन से अभी भी इंजन जुड़ा हुआ था। सेम और माइक उस चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो चेन टूट भी गई थी, पर सेम इंजन के साथ ही चला गया था और इंजन मोड़ पर पलट गया था और इस तरह से सेम मर गया था। और माइक इंजन के झटके से बोगी पर आ गया था और बोगी पटरी से उतर गई थी। बोगी के सभी यात्री जिंदा थे। माइक सभी को बोगी के कांच पर पेपर लगाने के लिए बोलता है। माइक बोलता है, हम सभी की जान खतरे में है, सभी पैसेंजर बोगी के कांच को पेपर से ढक दो, और सभी पैसेंजर बोगी के कांच को पूरी तरह से ढक देते हैं। माइक प्रेन नाम की उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की अपना नाम सोफिया बताती है। माइक सोफिया से पूछता है, तुम्हारे बैग में क्या है? सोफिया माइक को अपना बैग दे देती है और उसके बैग में से हार्ड ड्राइव निकलती है। माइक बोलता है, क्या उन्हें यही चाहिए था, तुम्हें पता है क्यों? सोफिया बोलती है, रिकी एक सिटी प्लानिंग अधिकारी था, एक रात में रिकी का इंतजार कर रही थी, तभी मैंने दो आदमियों को देखा, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी, वो लोग रिकी को खोज रहे थे, वो लोग रिकी से कुछ चाहते थे, और फिर मैंने शोर शराबा सुना, मैंने देखा तो वो लोग रिकी को मार रहे थे। माइक बोलता है, क्या तुमने उन्हें रिकी को मारते हुए देखा था? सोफिया बोलती है, हाँ मैंने देखा था, मैं उसकी मदद भी करना चाहती थी, और एक आदमी ने रिकी को पकड़ रखा था और फिर उसने रिकी को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था, और वो आदमी बोल रहा था, सही काम करने पर तुम मारे जाओगे, और ऐसी कोई चीज नहीं जिसके कारण तुम महान बन जाओगे। मैंने बस रिकी को बिल्डिंग से फेंकते हुए देखा और मैं वहां से भाग गई थी। माइक बोलता है, तुमने ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया? सोफिया बोलती है, मैं नहीं बता सकती थी क्योंकि उनमें से एक आदमी पुलिस वाला था। अगले दिन मैं अपने दोस्त के वहां गई, वो एक FBI ऑफिसर को जानता था, तब उस एजेंट ने मुझे बताया तुम गवाह बन जाओ और अब तुम उस शहर में सेफ नहीं हो, इसलिए वो एजेंट मुझे कोल्ड स्प्रिंग पर मिलने वाला था, वो मुझे बचा सकता था। तभी बाहर पुलिस आ गई थी और पुलिस में माइक का दोस्त एलेक्स मर्फी भी था। मर्फी माइक से बात करने जाता है क्योंकि पुलिस को लग रहा था माइक ने ट्रेन के यात्रियों को बंधक बनाया है।
मर्फी माइक से पूछता है, माइक अंदर कितने लोग हैं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माइक बोलता है, शायद 15 या 20। मर्फी बोलता है, तुम कुछ लोगों को छोड़ो, फिर हम बात करेंगे। माइक कुछ यात्रियों को छोड़ देता है और मर्फी अब ट्रेन के अंदर चला गया था। मर्फी के कंधे पर एक लेजर लगा था, जिसको ध्यान में रखकर ट्रेन के बाहर स्नाइपर ने ट्रेन पर निशाना लगा रखा था। स्नाइपर को उस लेजर के कारण मर्फी नीले घेरे में नजर आ रहा था और बाकी सब पीले घेरे में नजर आ रहे थे, जिससे उनको निशाना लगाने में आसानी हो रही थी। माइक बोलता है, मर्फी इस ट्रेन में गवाह है और वो FBI ऑफिसर से कोल्ड स्प्रिंग में मिलने वाला था। वो लोग सभी पैसेंजर को मारने वाले थे और उन्होंने ट्रेन का एक्सीडेंट भी करवा दिया। मर्फी बोलता है, तो अब तुम किसका वेट कर रहे हो? माइक बोलता है, बस पहले मेरी फैमिली सेफ हो जाए। मर्फी बोलता है, माइक तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कोई महान काम कर रहे हो, पर दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसके कारण तुम महान बन जाओगे। मर्फी ने यहाँ वैसी ही बात की थी जैसी सोफिया ने सुनी थी उस कातिल के मुंह से, जिसने रिकी को बिल्डिंग से नीचे फेंका था। माइक समझ जाता है कि मर्फी वो पुलिस वाला है जिसने रिकी को बिल्डिंग से नीचे फेंका था। माइक बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? जो तुमने अभी कहा वो मुझे उस गवाह ने बताया था। और ऐसा बोलकर माइक मर्फी पर गन आ देता है और बोलता है, तुम वही पुलिस वाले हो जिसने रिकी को मारा था, तुमने ही मुझे इन सब में ढकेला है। तुम जानते थे कि प्रिन इस ट्रेन में है और मैं रोजाना इस ट्रेन में सफर करता हूँ। मर्फी बोलता है, तुमने 3 लोगों को मारा है और कई लोगों को बंदी बनाया है किसी अनजान लेडी के कहने पर। क्या तुम लोगों को ये सब बताओगे? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत पावरफुल है माइक, तुम बस अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ये सुनकर माइक अपनी गन मर्फी को देता है और मर्फी वहां बैठे यात्रियों से प्रिन के बारे में पूछने लगता है। तभी माइक मर्फी पर हमला कर देता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। ट्रेन के बाहर स्नाइपर माइक पर गोली चलाने वाले थे और जैसे ही माइक और मर्फी लड़ते लड़ते दूर हटते हैं, स्नाइपर निशाना लगाकर पीले घेरे वाले पर गोली चला देते हैं। पर वो गोली मर्फी को लग गई थी क्योंकि माइक ने मर्फी के कंधे का लेजर निकाल दिया था और मर्फी अब मर चुका था। पुलिस ट्रेन में आ गई थी और वो FBI एजेंट भी ट्रेन में आ गए थे, जो कोल्ड स्प्रिंग में प्रिन का इंतजार कर रहे थे। सोफिया उनको बताती है कि माइक ने ही मेरी जान बचाई है और मैं ही प्रिन हूँ। वो एजेंट माइक के पास आकर बोलता है, माइक तुम्हारी फैमिली अब पूरी तरह से सेफ है। माइक अब ट्रेन के बाहर था, तभी माइक की फैमिली उससे मिलने आती है। कैप्टन हॉर्वथन भी माइक के पास आते हैं और वो बोलते हैं, हम उस लेडी का पता लगा लेंगे। और ऐसा बोलकर कैप्टन हॉर्वथन मीडिया को बाइट देने चले गए थे। माइक देखता है तो उसके पास अभी भी वो हार्ड ड्राइव थी जो सोफिया ने उसे दी थी। मूवी के अगले सीन में जुआना ट्रेन में बैठी थी और वहां पर माइकल जुआना के पास आकर बैठ गया था। माइकल जुआना को अपना पुलिस का बेस दिखाता है, यानी माइकल फिर से पुलिस वाला बन गया था। और अब माइकल ने जुआना को पकड़ लिया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर माइक जो उसके पास हार्ड ड्राइव थी उसके द्वारा जुआना के पास पहुंचा होगा। जुआना कुछ बड़े लोगों के लिए काम कर रही होगी तो वो भी पकड़े गए होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।